लेकिन इसमें भी वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है और साउंड क्वालिटी भी मैं बोल रहा हूँ उस पर रियर से इस टाइम। ये वैन जैसे है, जब ये आगे थी तो जाहिर है फ्रंट माइक ने इसकी आवाज़ कैच की होगी साउंड, और फिर जब ये इसको क्रॉस कर रही थी तो रियर माइक। ये रोड स्मूथ है, ज़्यादा कोई शेक नहीं है रोड पे, वैसे कोई बम्प है कि साइकिल जंप करेगी, बहुत स्मूथली चल रही है, तो जाहिर है वीडियो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्मूथ शूट हो रही होगी। अब जैसे अब आ रहा हूँ मैं तो यहाँ पे देखिए नॉइज़ स्टार्ट हो गया, इसमें नॉइज़ कैंसिलेशन भी है, और कुछ परसेंट तो काम करता ही होगा, बाकी कमांड मोड पे भी काम करता है ये। अभी दो दिन हुआ है मेरे पास आए हुए, मैंने इसको सेकेंड हैंड परचेज़ किया है क्योंकि अब तो बजट है नहीं कि नया परचेज़ कर सकूं, और सेकेंड हैंड वही यूज़ सेल करता है इसको जिसको काफ़ी यूज़ कर लेता है, तो उसका बजट सही होता है तो GoPro Hero 9 में आ जाता है इस सब टाइप के, तभी वो इसको सेल करता है। तो एलेक्स से मुझको मिल गया, मैंने ले लिया क्योंकि कैमरा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना तो कभी वो गिरा है ना कोई ऐसा स्क्रैच था इस पर। साइकिल का काफ़ी साउंड है, अब भी जब साइकिल वगैरह लीजिएगा तो ये जो शॉकर सीट के नीचे होते हैं ये नींव पे शायद प्रॉब्लम ना करते हो, बाद में इसमें से साउंड हो पाता है। अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हैं और वीडियो अपलोड शूट कर रहे हैं तो पूरे टाइम साउंड आता रहेगा, नॉर्मल स्प्रिंग की जो साउंड रहेगी, साथ में कुछ टाइम बाद काफ़ी दिन से अगर आप साइकिल नहीं चलाई तो उसमें कुछ और भी आवाज़ें ऐड हो जाएंगी। अब एरिया शुरू हो गया जहाँ पे मेन स्टडी मोड, जायरो सेंसर, इमेज स्टेबलाइजर, कुछ भी कह लीजिए, उसका यूज़ स्टार्ट हो जाता है। एक्शन कैमरा है तो इजी है, अदरवाइज आप भी जान रहे हैं मोबाइल से शूट करना कहाँ पॉसिबल है, एक हाथ से मोबाइल एक हाथ से आप हैंडल पकड़िए, इसमें आराम से माउंट होते हैं, डिफरेंट टाइप के माउंट होते हैं, आप इजीली उसको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टू सेट कर लीजिए कि रोड कितनी ज़्यादा जर्क वाली है। मैं भले शेप हो रहा हूँ पर वीडियो काफ़ी स्मूथ शूट हो रही होगी। पूरा टाइम साइकिल ने एक म्यूजिक प्ले करी है, अभी भी कर रही है। तो बढ़िया है, मॉर्निंग के लिए थोड़ा एक्सरसाइज करने के लिए बहुत अच्छी है।